हेलो फ्रेंड्स, सारे शहर का लॉकडाउन है और आपको घर में रहने की हिदायत दी गई है, जिसका आप पालन कीजिए। क्योंकि इतनी सी बात याद रखिए कि सीता मैया, जो सारे जगत की माता कहलाती है, उन्होंने भी लक्ष्मण रेखा पार की थी तो असुरक्षित हो गई थी। समय की मांग को देखते हुए आप अपने घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनके साथ खाइए खिलाइए। तो चलिए, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ इंस्टेंट रवा उत्तपम। तो चलिए, इसके लिए क्या तैयारियां की जाती है मैं आपको बताती हूँ। रवा उत्तपम के लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 5 हरी मिर्च, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, 1 बंच धनिया, 1 बड़ा टमाटर, 1 पिंच खाने का सोडा, कड़ी पत्ता, राई, 1 कटोरी बारीक रवा, आधा कटोरी दही और नमक। अब हम इसका बैटर तैयार करेंगे। एक कटोरा ले लीजिए। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, रवा, आधा कटोरी ये दही। अब इसे मिक्स कर लीजिए। ये बैटर बहुत गाढ़ा है, दही से ढीला नहीं होगा, इसलिए हम इसे यह 1 गिलास पानी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए, यह अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे मिक्स करते रहिए। यदि आपको लगता है कि आपका बैटर थोड़ा गाढ़ा है तो उसमें पानी ऐड करते जाइए, लेकिन पहले हम इसमें नमक डाल लेते हैं। तो नमक आपको इसमें 1 से 1.5 चम्मच डालना है और ये 1 पिंच खाने का सोडा डालना है। ये राई और कड़ी पत्ता हम बाद में यूज करेंगे। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। हमारे बैटर को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए, हम इसे खोल देते हैं और इस तरह से इसे फिर एक बार मिक्स करते हैं। रवा इसमें अच्छे तरह से फूल गया है। देखिए, इस तरह से आप इसे अच्छे से मिक्स करिए। अब गैस ऑन कर दीजिए, एक पर तड़का पैन रख दीजिए और एक पर तवा रख दीजिए। आप नॉन स्टिक भी यूज कर सकते हैं। इस तड़के पैन में आप एक चम्मच ऑयल डाल दीजिए और इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए। जो दूसरे गैस पर हमने तवा रखा है उस पर भी ऑयल डाल दीजिए और इसे अच्छे से फैला दीजिए। इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा आप डाल सकते हैं ताकि अच्छे से फैल जाए। गैस को स्लो कर दीजिए। तड़का पैन में तेल अच्छे से गर्म होने दीजिए और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यह राई और यह है कड़ी पत्ता, जिसे हम बाद में यूज करेंगे, तो इसका यूज मैं आपको बताती हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें से अच्छे से भाप निकलने लगी है। गैस को ऑफ कर दीजिए। इसमें पहले राई तड़काइए। अब इस तड़के को इस बैटर में छोड़ दीजिए इस तरह। तो आपका जो
रवा उत्तपम है वो बहुत ही टेस्टी लगेगा इस तड़के की वजह से। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम बनाएंगे उत्तपम। इसको ऑन कर दीजिए और ये गर्म तवा इस पे रख दीजिए। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें से भाप निकलने लगी है। अब इस बैटर को हम इस बड़े चम्मच से, गैस को स्लो कर दीजिए, और इस बैटर को हम बड़े चम्मच से इस तरह से इस तवे पे चलाएंगे। इसको फैला दीजिए। गैस को स्लो ही रहने दीजिए, उसे एक प्लेट से ढक दीजिए ताकि ये भाप से थोड़ा सा फूल जाए, और इसे 31 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। हमारा उत्तपम पक रहा है, तब तक मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब भी आप रवा लें तो वो बारीक वाला रवा लें, मोटा नहीं। 30 सेकंड हो चुके हैं और अब हम इस प्लेट को हटा देते हैं। अब देखिए किनारों से इस तरह इसको चेक करना है कि यह तवा छोड़ रहा है क्या। देखिए ये अच्छे से पक चुका है और इसने तवे को छोड़ दिया है। यहाँ मैंने लोहे का तवा इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो नॉन स्टिक भी यूज कर सकते हैं। अब इसे धीरे से पलट दीजिए। और इसे फिर 30 सेकंड के लिए छोड़ दीजिए। इसके किनारों पर आप थोड़ा सा तेल छोड़िए, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ दीजिए। गैस का फ्लेम फुल कर दीजिए ताकि वो अच्छे से पक जाए। अब आप इसे पलट दीजिए, ये पक चुका है, ये देखिए। इसे थोड़ा सा और पकाना पड़ेगा, इसलिए एक बार फिर पलट दीजिए और गैस को हाई फ्लेम पे रखिए। अब इसे फिर से पलटिए। देखिए आपका उत्तपम तैयार है। आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं, मूंगफली की चटनी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए आपका उत्तपम तैयार है। आपको दोबारा तेल डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी उसमें तेल बाकी है। तो आप इसे फिर से बैटर को इस तवे पे डाल दीजिए इस तरह, और इसे फैला दीजिए। आपको इस चम्मच से इसलिए फैलाना है ताकि इसमें जो सब्जियां मसाले हैं वो सारे अच्छे से सभी दूर फैल के उसका टेस्ट। आप इसे फिर से ढक दीजिए और 30 सेकंड के लिए स्लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये आपका रवा उत्तपम देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वो खाने में भी उतना ही टेस्टी है। आप इसे जरूर बनाइएगा, खाइए और खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।